हेलो टू ऑल गाइस, आज मैं आपके सामने एम्ब्रेन का पावर बैंक लेके आया हूँ, जिसका साइज बहुत ही छोटा है। ये पॉकेट साइज का पावर बैंक है और जितना आपका एटीएम होता है उसी के बराबर इसका साइज मिलता है आपको। 5000 mAh का ये पावर बैंक है और मेरे को कितने का पड़ा है, क्या इसके फीचर्स हैं, सारी बात होगी यहाँ पे। क्या इसमें फास्ट चार्जिंग है कि नहीं वो भी बात मैं करूँगा और साथ में इसकी क्वालिटी कैसी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इसमें से पावर बैंक खोलते हैं, फिर उसके बाद दूसरा मैं खोलूँगा। यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको ओपन कर रखा है एग्जैक्टली पहले से ही। तो यहाँ पे आपको मिलता है ये मेनली ब्लैक कलर का, देख सकते हो आप बहुत ही छोटा है और ये कुछ यूज़र गाइड दी गई है और साथ में ये यूएसबी केबल दिया गया है। माइक्रो यूएसबी केबल है नॉर्मल सा और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, क्योंकि जितने भी पावर बैंक आते हैं तो उसके जो माइक्रो यूएसबी केबल होता है बहुत ही बेकार होता है, इसका माइक्रो यूएसबी केबल बहुत अच्छा है। इस तरीके से मैंने इसको फील किया। अब मैं बात करूँ आप सभी से, ये मेन हमारा यूनिट है और एक और पावर बैंक है मेरे पास जो कि एम्ब्रेन का ही है, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्राइस ब्रैकेट में मिल रहे थे तो मैंने दो खरीद लिए थे। अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे इसका कलर बहुत ही आपको पसंद आने वाला है, एकदम यूनिक इसका कलर है जो कि हर एक पर्सन को पसंद आएगा। और यहाँ पे पिंक कलर का मिलता है आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी बहुत ही छोटा है और यहाँ भी एक पावर बैंक की डाटा केबल मिलती है और दैट्स इट। यहाँ पे एक वारंटी कार्ड भी मिलता है यहाँ पे, थैंक्स फॉर चूजिंग एम्ब्रेन मेड इन इंडिया। सो इसको रखते हैं साइड। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेन पावर बैंक की। ये देख सकते हो आप यहाँ पे एक पिंक कलर में और एक ब्लैक कलर में। सबसे पहले ब्लैक कलर का हम ओपन करेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का लुक मिलता है पूरा ओवरऑल। और साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को यहाँ पे, और बहुत ही ये पतला है स्लिम है। आप देख सकते हो यहाँ पे इतना इवन आपके हाथ के बराबर है ये बीच में। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक ग्लॉसी फिनिश दिया गया साइड साइड में, और यहाँ पे दो चार्जिंग के लिए पॉइंट्स हैं और एक माइक्रो यूएसबी केबल है जहाँ पे आप लगा सकते हो। और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, नॉर्मल चार्जर है, 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर से चार्ज करता है। और दूसरा जो आउटपुट है इसका ये थोड़ा सा बस फास्ट है, जैसे कि 2.4 एम्पियर और ज़्यादा कुछ फास्ट नहीं है। जैसे कि बड़े बड़े जो पावर बैंक होते हैं उसमें रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी होती है और साथ में क्विक चार्ज होता है, तो इसमें वो सपोर्टेड नहीं है। और ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है मेरे को ठीक लगी है इस प्राइस ब्रैकेट में। और इसका जो प्राइस है मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, 268 रुपीज़ का पड़ा है। मेरे को मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, आप इसको फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। अभी बिग बिलियन डे सेल चल रही है तो ये बेस्ट रहेगा आपको, 238 268 इस तरीके का आपको मिल जाएगा। और इस प्राइस ब्रैकेट में अगर मैं कंपेयर करूँ किसी और पावर बैंक से बहुत ही बेस्ट है, एकदम स्मॉल है और एकदम पोर्टेबल है। और अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी एक्चुअल कैपेसिटी की, जो कि 5000 mAh इसमें दी तो गई है बट इसमें एक्चुअल कैपेसिटी है करीब करीब 3375 mAh। मतलब एक फ़ोन आपका अगर सैमसंग का है और 3000 mAh इसकी बैटरी है तो आराम से चार्ज हो जाएगा और 10% इसमें बैटरी बच जाएगी। और ये सर्टिफाइड भी है और एम्ब्रेन का है तो ऑब्वियसली बात है आपको इसको लेना चाहिए। अगला मैं बात करता हूँ यहाँ पे, एज इट इज़ सेम है, इसका कलर बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो यहाँ पे पिंक कलर का इसका कलर है और इसमें भी उसी तरीके का टेक्सचर है, बट इसकी जो फिनिशिंग है इससे ज़्यादा बेटर लग रही है मेरे को। यहाँ पे देखो आप लार्ज होल यहाँ पे मिलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे एकदम एक्चुअल में फिनिशिंग अच्छी दी गई है यहाँ पे। ये मैंने कहाँ से खरीदा है, ये मैंने अमेज़ॉन से खरीदा है। आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट प्लस अमेज़ॉन कितनी ज़्यादा क्वालिटी डिफरेंस आता है इसमें। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है और साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ग्लॉसी फिनिश है इसमें अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पे भी सीरियल नंबर है जैसे कि यहाँ पे दिख नहीं रहा था उस वाले में, बट इसमें भी दिया गया है। और फिनिशिंग के मामले में मैं कहूँगा आप अगर लेना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से लीजिए। अभी इसका प्राइस 800 रुपये हो चुका है अमेज़ॉन पे, 799 रुपीज़ का। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था 199 रुपीज़ का था। येस माई डियर फ्रेंड्स, 199 रुपीज़ का आपको मिल जाता है ये वाला, बट आपको देखना पड़ेगा डील, अगर जैसी डील आएगी तो आप इसको परचेस कर सकते हो। मैंने जैसे इसको परचेस किया था ऑन द स्पॉट ये स्टॉक आउट हो गया था, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं। एज इट इज़ इसमें भी आपको दो पॉइंट मिलते हैं चार्जिंग के लिए और एक माइक्रो यूएसबी केबल वाला मिलता है पॉइंट, और साथ में इसमें भी थोड़ा सा फास्ट चार्ज है जो कि 2.4 एम्पीयर पे चार्ज करता है ये। और नॉर्मली इसको चार्ज करने में, दोनों पावर बैंक की अगर मैं बात करूँ, सिंपल सा एक पावर बैंक को चार्ज होने में 2 घंटे पूरे लग जाते हैं, 2 से 3 घंटे आप इसको समझ लीजिए लग जाएंगे। और कैपेसिटी भी इसकी अच्छी है और ली पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया तो ऑब्वियसली बात है बेस्ट है। और इसका जो इसमें प्रिंटेड प्राइस है आप देख सकते हो यहाँ पे, आई गेस यहाँ पे दिया गया है 999 रुपीज़, बट 999 का है नहीं है एक्चुअली में, 268 199। तो बेस्ट है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो इस प्राइस ब्रैकेट में। और आप सभी को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये वाला पावर बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा, और अगर आप इसको ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि पोर्टेबल है तो ऑब्वियसली बात है कहीं भी फिट हो जाएगा। फ़ोन के साथ भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा ऑब्वियसली बात है, क्योंकि फ़ोन के बराबर का ही थिकनेस है इसका, आप देख सकते हो यहाँ पे जो नॉर्मली फ़ोन आते हैं आजकल। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, कोई डाउट या क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ को देखने के लिए, और डेफिनेटली
आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू वेरी मच।